पर्पस ऑफ टैक्सेशन के टैक्सीशन जो सिस्टम ये बना हुआ है ये जो पूरा सब्जेक्ट बना है इसका पर्पस क्या है हर सब्जेक्ट का अपना पर्पस होता है तो टैक्सेशन का पर्पस क्या है इससे किसका फ़ायदा है ठीक है वो हम पढ़ेंगे उसके बाद हु मेक्स टैक्स लॉज ये जो टैक्स लॉज इसमें लिखे हुए हैं जो हम पढ़ेंगे पूरा ये लॉज कौन बनाता है इसमें कैसे कैसे चेंजेस होते हैं जो हर साल हमने पढ़े हैं पता है हमें कि हर साल टैक्सीशन लॉज में चेंजेस होते हैं वो चेंजेस कौन करता है कौन कौन चेंजेस करता है टैक्सेशन लॉज में वो सारी चीजें हम यहाँ पे पढ़ेंगे तो इट्स नॉट अ बिग चैप्टर इट्स अ स्मॉल चैप्टर एंड दिस इज लाइक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टैक्सेशन सिस्टम ऑफ यू तो सबसे पहले वॉट वी विल इज हमारी कुछ बेसिक टर्म्स तो लेट्स स्टार्ट तो सबसे पहले हमारा आता है पर्पस ऑफ टैक्सेशन कि टैक्सेशन का पर्पस क्या है सो so, जैसा कि मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में बताया था कि टैक्स होता क्या है टैक्स इज जो भी इंडिविजुअल इफ इंडिविजुअल इज अर्निंग एनी मनी फ्रॉम एनी सोर्स देन ही और शी हैज टू पे टैक्स टू दी गवर्नमेंट. अब वाई दिस टैक्स इज टू बी पेड टू गवर्नमेंट और गवर्नमेंट उस टैक्स का करेगी क्या तो गवर्नमेंट के लिए जो टैक्सेशन के पर्पज होते हैं पहला होता है इकोनॉमिक पर्पज सो इकोनॉमिक मीन्स कंट्री की ग्रोथ तो टैक्सेशन से क्या चीज़ हमारे को इकोनॉमिकली हेल्प करती है तो जैसे सिस्टम ऑफ टैक्सेशन एंड स्पेंडिंग बाय द गवर्नमेंट एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन द इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री एज अ होल जैसे जो भी हमारा सिस्टम ऑफ़ टैक्सेशन है टैक्सेशन से पैसे गवर्नमेंट के पास जाते हैं और गवर्नमेंट वो पैसे कहाँ कहाँ स्पेंड करती है उससे हमारी कंट्री की इकॉनॉमी चलती है Taxation policies are used to influence many economic factors such as inflation, employment level, import-export. Taxation policy से इन चीजों में भी बहुत फर्क पड़ता है कैसे? अब जैसे for example अगर मान लो हम tax बहुत ज़्यादा कर रहे हैं tax amount is very high just an example तो उससे क्या होगा person के पास कम पैसे बचेंगे to spend खर्चने के लिए spending के लिए कम पैसे बचेंगे तो he will tend to save more वो ज़्यादा save करेगा वो ज़्यादा सेव करेगा मतलब वो ज़्यादा स्पेंड नहीं करेगा ज़्यादा स्पेंड नहीं करेगा दैट मीन्स जो बिजनेसिस हैं जो अपने प्रोडक्ट्स सेल कर रहे हैं उनके प्रोडक्ट ज़्यादा सेल नहीं होंगे लग्जरी गुड्स बहुत ज़्यादा नहीं बिकेंगे क्योंकि अगर टैक्सेशन बहुत ज़्यादा है दैन पीपल विल नॉट स्पेंड ऑन लग्जरी ठीक है ना तो देर आर लॉट ऑफ थिंग्स इन्फ्लेशन में फ़र्क पड़ता है एम्प्लॉयमेंट लेवल अब ऐसे ही जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो अपना सामान बेचती हैं जैसे लग्जरी गुड्स के लिए लग, दे दे प्रोड्यूस लग्जरी गुड्स बट टैक्सेशन ही इतनी ज़्यादा है लेट से अगर तुम हंड्रेड रुपीज़ अर्न करते हो उसमें से फोटी रुपीज़ तो तुम टैक्स ही पे कर देते हो सिक्सटी बचते हैं तो सिक्सटी में तो तुम ये बोलोगे ना कि यार इसमें से मैं कुछ पैसे फ्यूचर के लिए सेव कर लेता हूँ क्योंकि तुम्हारे इन हैंड घर के खर्चे भी हैं बहुत सारे हैं तो लग्जरी के लिए पैसे ही नहीं बच रहे तो अगर लग्जरी के लिए पैसे नहीं बचेंगे जो इंडस्ट्रीज़ लग्जरी गुड सेल कर रही हैं वो इंडस्ट्रीज़ नहीं चलेंगी और उससे इंप्लॉयमेंट लेवल में फ़र्क पड़ेगा सो लॉट ऑफ फैक्टर्स आर देयर इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर फ़र्क पड़ता है क्योंकि अगर टैक्सेशन तुम्हारा से इम्पोर्ट पर ज़्यादा टैक्स है तो तुम सामान इम्पोर्ट नहीं करोगे एक्सपोर्ट पे ज़्यादा टैक्स है तो तुम एक्सपोर्ट ज़्यादा नहीं करोगे सो so, टैक्सेशन जो जो टैक्सेशन है हमारा उससे इन चीज़ों में बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है नेक्स्ट दे आर ऑल्सो यूज टू इन्फ्लुएंस बिहेवियर ऑफ़ द बिजनेस एज इंडिविजुअल ये मैंने जैसा बताया था एक्जैक्टली exactly सेम वही पॉइंट है कि टैक्सेशन की वजह से हमारे बिजनेसिस का बिहेवियर और इंडिविजुअल के बिहेवियर में भी फ़र्क आता है एज आई गेव यू द एग्जाम्पल बहुत सिंपल अंडरस्टैंडिंग है हमें डिटेल में इसको नहीं पढ़ना हमें सिर्फ मतलब पता होना चाहिए सो दैट यंग वन कैन आस कि भाई टैक्सेशन का पर्पस क्या है तुम क्या बोलोगे कि टैक्सेशन से हमारी कंट्री की इकोनॉमी में भी फ़र्क पड़ता है कैसे लोगों की मैंटालिटी डूवर्ड टैक्स सेविंग में फर्क पड़ता है हमारी कंट्री की इन्फ्लेशन में फ़र्क पड़ता है इन्फ्लेशन लेवल पर फर्क पड़ता है एम्प्लॉयमेंट पर फ़र्क पड़ता है तो लॉट ऑफ फैक्टर्स जो हैं वो टैक्सीशन पर डिपेंड करते हैं सो so, जो करंट यूके टैक्स सिस्टम है अभी हम सिर्फ यूके टैक्सेशन सिस्टम की बात करेंगे करंट यू के जो टैक्सेशन सिस्टम है उससे इकोनॉमी में वो क्या चीज़ एनकरेज करती है फर्स्ट इज सेविंग वो क्या बोलते हैं जो करंट यू के टैक्स है जब हम पढ़ेंगे आगे यू विल कम टू नो कि पीपल हु टेंड टू सेव उनको कुछ टैक्स इंसेंटिवस मिलते हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर तुमने इंडियन करेंसी के अकॉर्डिंग या नॉर्मली इफ यू अर्न वन लाख डॉलर्स ठीक है वन लाख डॉलर में से गवर्नमेंट ने कुछ स्कीम लगाई हुई है कि अगर तुम उसमें कुछ भी पैसे मिनिमम थ्री ईयर्स के लिए इन्वेस्ट करते हो कि मिनिमम थ्री ईयर्स के लिए इफ़ यू इन्वेस्ट सम अमाउंट मैक्सिमम लिमिट इज टेन थाउजेंड डॉलर्स कि अगर तुम टेन थाउजेंड डॉलर्स तक कुछ भी पैसे थ्री ईयर्स तक के लिए उस स्कीम में इन्वेस्ट करते हो तो उस टेन थाउजेंड पे तुम्हारे को टैक्स बेनिफिट मिल जाएगा दैट मीन्स अभी अगर वन लाख पे टैक्स लगेगा तो वन लाख ,00 में से टेन थाउजेंड हट के तुम्हें नाइनटी थाउजेंड पर टैक्स देना पड़ेगा इस पर टैक्स नहीं देना पड़ेगा दैट इज कॉल्ड टैक्स इंसेंटिव तो तुम्हें ये टैक्स इंसेंटिव मिल जाते हैं दैट मीन्स गवर्नमेंट जो यू के टैक्स सिस्टम है दे आर एनकरेजिंग पीपल टू सेव मोर क्योंकि ऑब्वियसली नो वन वॉन्ट्स टू पे टैक्स क्यों वाई नो वन वॉन्ट्स टू पे टैक्स क्योंकि अगर हम टैक्स पे करेंगे इफ़ यू आर अर्निंग वन लाख डॉलर लेट से टैक्स रेट इज थर्टी परसेंट तो तुम्हारा थर्टी थाउजेंड डॉलर टैक्स जा रहा है इस टैक्स से तुम्हें क्या मिल रहा है मैं अभी इंडिया की अगर बात करूँ इस टैक्स को पे करके देश का भले ही भला हो रहा है लेकिन तुम्हें क्या मिल रहा है इस टैक्स में कुछ भी नहीं मिल रहा तो एवरी वन वॉन्ट्स के मैं टैक्स कम से कम पे करूँ तो उसके लिए देर आर लॉट ऑफ स्कीम्स तो वन ऑफ द स्कीम इज दिस जस्ट एन एग्जाम्पल सो यू के टैक्सीशन सिस्टम एनकरेज इंडिविजुअल कि वो ज़्यादा सेव करें ताकि उनको टैक्स बेनिफिट मिले दूसरा चैरिटेबल डोनेशन अब लेट्स से सेम एग्जांपल वन लाख डॉलर मैंने इनकम अर्न की थी और मैंने क्या किया इसमें से कोई जैसे डोनेशन चैरिटेबल इंस्टीट्यूट जो लेट्स वीकर सेक्शन की हेल्प करता है तो वहाँ पर मैंने थर्टी डॉलर्स या काफ़ी ज़्यादा थाउजेंगे थर्टी थाउजेंड लेट से टू थाउजेंड डॉलर्स या टू थाउजेंडी फाइव थाउजेंड फाइव थाउजेंड डॉलर्स मैंने वहाँ पे डोनेट कर दिए तो अगर मैंने फाइव थाउजेंड डॉलर डोनेट कर दिए तो ऐसे भी कुछ स्कीम्स हैं कि मुझे इस फाइव थाउजेंड पे टैक्स नहीं पे करना आई विल हैव टू पे टैक्स और नाइन्टी फाइव थाउजेंड हमें नॉर्मली पूरी इनकम पर टैक्स पे करना होता है ऐसा नहीं है कि अगर हमने वन लाख डॉलर कमाए हैं तो वन लाख डॉलर कमाने के बाद हमने अगर मान लो घर का खर्चा कर दिया या कुछ भी कर दिया तो उस पर टैक्स बेनिफिट मिलेगा ऐसा कुछ नहीं है टैक्स बेनिफिट सिर्फ गवर्नमेंट ने जो स्कीम्स निकाली होती है उसी पे मिलता है वरना हमें पूरी इनकम पे टैक्स पे करना पड़ता है चाहे वो पैसा हम मर्जी यूज़ करें ठीक है आगे जाप्रीनियोर्स एंड इन्वेस्टर्स बाय ऑफरिंग टैक्स रिलीफ फॉर इन्वेस्टमेंट इन स्पेसिफिक स्कीम्स जैसे लेट्स से आज की डेट में इन इंडिया हमारा बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल इलेक्ट्रिक व्हीकल का बहुत ज्यादा ट्रेंड चल रहा है ठीक है नई नई कंपनीज हैं या पुरानी कंपनीज भी हैं दे आर ट्राइंग टू मैनुफैक्चर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड ऑल सो लेट्स से जस्ट एन एग्जाम्पल आई एम से गवर्नमेंट ने एक स्कीम बना ली कि जो भी कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए कोई भी प्रोडक्ट मैनुफैक्चर करेगी लाइक बैटरीज हो तो गई या कोई भी ऐसा जो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल में चीज़ें लगती हैं इलेक्ट्रिकल इंजनज एंड ऑल जो भी बनाएगी उसको कुछ टैक्स बेनिफिट मिलेंगे उनको अपनी इनकम में कम परसेंट टैक्स देना पड़ेगा जो नॉर्मल एक कंपनी है जैसे कोक बनाती है तो कोक को, को सारे इनकम पे फोर्टी परसेंट टैक्स देना है लेकिन अगर कोई कंपनी ऐसे व्हीकल्स बनाती है तो उनको ट्वेंटी फाइव परसेंट टैक्स पे करना है दैट इज़ लाइक अ टैक्स रिलीफ दैट इज गिवन टू दो कंपनीज सो ऑनटरप्रीनियोर्स ऑंटरप्रनियोर्स आर इंडिविजुअल्स जो अपना एक स्टार्टअप शुरू करते हैं उनके लिए कुछ टैक्स बेनिफिट होते हैं लेट से अब कोई स्टार्टअप है किसी बंदे ने नया बिजनेस शुरू किया है तो नया बिज़नेस शुरू किया है बहुत ज़्यादा लोन लिए हुए हैं बहुत कुछ है तो उसको बोला जाता है कि ठीक है तुम पहले दो से तीन साल तक जो भी तुम्हारी इनकम है उस पर कोई टैक्स ना पे करो बिकॉज अभी तुमने स्टार्ट किया है हो सकता है स्टार्टिंग में प्रॉफ़िट हो बाद में लॉसेज हो जाए तुम हमें टैक्स दे दोगे कल को बिजनेस बंद हो गया तो, तो देर आर लॉड ऑफ फैक्टर्स तो ये सारी चीज़ें यू टैक्स सिस्टम एनकरेज करती है तो इन सारी चीज़ों से क्या होगा पीपल विल टेंड टू सेव मोर पीपल विल डोनेट मनी कि हाँ ठीक है डोनेशन पे हमें टैक्स बच जाएगा हालांकि खर्चा ही हो रहा है बट स्टिल उनको होगा कि अगर हम अच्छे काम के लिए डोनेट कर रहे हैं तो गवर्नमेंट भी उसमें हमें कुछ बेनिफिट दे रही है और अगर तुम कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो हो और या तुमने किसी में ऐसी कंपनी में पैसे इन्वेस्ट करें हैं तो उस केस में यू विल गेट अ टैक्स बेनिफिट करंट यू के टैक्स सिस्टम डिस्करेज क्या चीज यू के टैक्सेशन सिस्टम डिस्करेज करती है पहला मॉनिटरिंग बाय इंपोजिंग फ्यूल ड्यूटीज सो मोटरिंग इम्पोजिंग फ्यूल ड्यूटीज़ इसका मतलब क्या है कि कम, हमारे जो यूके टैक्सेशन सिस्टम है उन्होंने फ्यूल पे बहुत ज़्यादा टैक्सेस लगाए हुए हैं बिकॉज दे डिस्करेज पीपल टू यूज़ फोर व्हीलर्स और टू व्हीलर्स मोर वो कहते हैं तो अपनी साइकिल्स यूज़ करो जो फ्यूल uh, एफिशिएंट हो जो हमारी इको फ्रेंडली हो वो यूज़ करो रादर देन यूजिंग कार्स एंड बाइक अब जैसे मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल देता हूँ इंडिया में जैसे पेट्रोल सबको पता है अभी लेट से रुपीज़ वन जीरो का चल रहा है तो उससे क्या होता है हमें पता है कि पेट्रोल के प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई हैं अगर हमें मार्केट जाना है एंड इफ़ यू वांट टू बाय समथिंग हम प्रेफर करते हैं कि चलो पैदल ही निकल जाए दो मिनट का तो रास्ते है ठीक है लेकिन अगर यहीं पर पे, एक्चुअली पेट्रोल का प्राइस इतना नहीं है पेट्रोल का प्राइस तो थर्टी या फोर्टी है लेकिन इससे ऊपर जो भी है सिक्सटी सेवेंटी वो गवर्नमेंट ने ड्यूटी लगाई हुई है ठीक है दैट इज़ अ ड्यूटी दैट इज़ चार्ज बाय द गवर्नमेंट अब अगर ये ड्यूटी ही गवर्नमेंट खत्म कर देगी पेट्रोल थर्टी फोर्टी का हो जाएगा हर आदमी गाड़ी लेके घूमेगा कि थर्टी फोर्टी का तो पेट्रोल है यार लेके घूमो जहाँ जाने जाओ उससे ट्रैफिक बहुत बढ़ेगा पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होगा ठीक है तो वो चीज़ हमारी गवर्नमेंट यूके गवर्नमेंट इनफैक्ट ऑल ओवर दी वर्ल्ड डिस्करेज करती है कि लोग ज़्यादा टू व्हीलर फोर व्हीलर यहाँ यूज़ करके इको फ्रेंडली प्रोडक्ट यूज़ करें या फिर जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यूज़ करें मैंने ऊपर एक्जाम्पल दिए कि फ्यूल व्हीकल ना ना यूज़ करके इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज़ करें बिकॉज दोज़ आर ईको फ्रेंडली स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग एल्कोहल बाय इम्पोजिंग सिग्निफिकेंट टैक्सेस ऑन सिगरेट्स एंड एल्कोहलिक ट्रिक्स कि यूके सिस्टम डिस्करेज करता है पीपल को लोगों को स्मोकिंग और ड्रिंकिंग करने से कैसे कि उन्होंने स्मोकिंग और ड्रिंकिंग में बहुत हाई टैक्सेस लगाया हुआ है एक नॉर्मल लेट से एक सिगरेट नॉर्मल सिगरेट जो हंड्रेड डॉलर या टेन डॉलर्स की आती है वो मार्केट में हमें सिक्सटी डॉलर्स की मिलती है इतना हीज डिफ्रेंस लिखा हुआ है तो इससे क्या होगा हो सकता है बहुत सारे लोग सिगरेट पीने ही छोड़ दें यार ये तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली इसको छोड़ दो सेम गोज विद एल्कोहल तो यू के सिस्टम डिस्करेज स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग एल्कोहल इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन बाई इम्पोजिंग वराइटी ऑफ टैक्सेस सचेज लैंड फिल्ड टैक्स क्लाइमेट चेंज लेवी लिंकिंग सी ओ टू एमिशन टू दैक्सेशन ऑफ द कंपनीज कार्स सो बेसिकली इन्वायरमेंट में जो भी कंपनीज पॉल्यूशन स्प्रेड करती हैं उन कंपनीज़ पर भी अलग अलग टाइप के टैक्सेज लेवी किए हुए हैं ठीक so है सो दैट इज टू थिंग्स जो यूके सिस्टम एनकरेज करता है डिस्करेज करता है अब एनकरेज करने का मतलब क्या होगा सिंपल कि तुम टैक्स बेनिफिट दे दो ताकि लोग वो चीज़ ज़्यादा करें क्योंकि टैक्स उस पर नहीं लगता और डिस्करेज करने का तरीका क्या है कि तुम हाई टैक्सेस लगा दो ताकि लोग वो चीज़ ना करें ठीक है सो दिस इज आर यूके सिस्टम एज गवर्नमेंट ऑब्जेक्टिव चेंज टैक्सेशन पॉलिटीज तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज जैसे जैसे ऑब्जेक्टिव चेंज होते रहते हैं वैसे वैसे पॉलिसीज में भी चेंज होता रहता है जैसे मान लो अगर एक टाइम आएगा हमारी सारी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ही होंगे फ्यूल व्हीकल्स होंगे ही नहीं तो जब फ्यूल व्हीकल्स होंगे ही नहीं तो फिर ये टैक्स खत्म हो जाएगा ठीक है ना क्योंकि फ्यूल कोई यूज़ ही नहीं कर रहा तो मे भी हो सकता है गवर्नमेंट बोले लोगों को कि आप फ्यूल व्हीकल्स भी यूज करने स्टार्ट कर दो क्यों क्योंकि इतना सारा फ्यूल बचा हुआ है सारा वेस्ट हो रहा है तो आप थोड़ा बहुत यूज करना शुरू कर दो देयर कैन बी ए सिनारी जस्ट एन एग्जाम्पल ठीक है सो एज गवर्नमेंट ऑब्जेक्ट चेंज टैक्सेशन पॉलिसी कीप्स ऑन ऑल्टरिंग सो दिस इज द पॉइंट फर्स्ट इकोनॉमिक कि टैक्सेशन से हमारी इकोनॉमी में क्या क्या चेंज आता है और हाउ टैक्सेशन चेंजेस द इकोनॉमी नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है सोशल जस्टिस अब सोशल जस्टिस का हमारा मतलब क्या है एंड ये याद रखना कि सोशल जस्टिस में देर आर फोर टर्म्स एंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट इनको समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इस चैप्टर में से इस पार्ट का एम आने के चांसेस हैं और मे बी केस स्टडी भी आ सकती है वो तुम्हें चार सिनारी देंगे वो पूछेंगे बताओ इसमें से कौन सा प्रोग्रेसिव है कौन सा रिग्रेसिव कौन सा प्रोपोर्शनल कौन सा एड वेलोरम तो बहुत ध्यान से इस चीज़ को समझना तो सोशल जस्टिस क्या कहता है कि जो हमारा टैक्सेशन सिस्टम है उससे सोसाइटी पे भी फ़र्क पड़ता है बिकॉज अक्यूमुलेशन एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ़ वेल्थ विद इन द कंट्री दैट दैट आल्सो डिपेंड्स अपॉन द टैक्स क्योंकि अगर टैक्स ज़्यादा होगा तो लोगों के पास कम पैसे बचेंगे और अगर टैक्स कम होगा तो लोगों के पास ज़्यादा पैसे बचेंगे ज़्यादा पैसे बचेंगे मतलब वो ज़्यादा रिच होंगे कम पैसे बचेंगे दैट मीन्स वो ज़्यादा रिच नहीं हो पाएंगे है ना सो दैट इज सोशल जस्टिस दैट मीन सोसाइट सोसाइटी के लिए टैक्सेशन के ऊपर क्या टैक्सेशन का सॉरी टैक्सेशन का सोसाइटी के ऊपर क्या uh, impact होता है ठीक है सो द टाइप ऑफ टैक्सेशन स्ट्रक्चर हैज़ अ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन द दूमुलेशन अक्यूमलेन मतलब इकट्ठा करना एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ विद इन दी के जो भी अक्यूमुलेशन हो रही है हमारे टैक्सेस uh, की और कहाँ पे वो टैक्स डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है किन किन को मिल रहा है विद इन द कंट्री सो so, जो मेन टैक्सेशन प्रिंसिपल्स हैं वो यहाँ नीचे लिखे हुए हैं अब इनको बहुत 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 ध्यान से हम पढ़ेंगे पॉइंट इज दीज आर डिफरेंट टैक्सेशन पॉलिसीज़ और हर पर्सन की अलग प्रेफरेंस होती है जैसे मुझसे पूछो तो मैं कहूँगा ये सही है किसी और से पूछो वो कहेगा ये टैक्सीशन पॉलिसी सही है किसी और से पूछो वो कहेगा ये सही है तो एवरी पर्सन हैज़ डिफरेंट ओपिनियन अबाउट द टैक्सेशन सिस्टम आर्ग्यूमेंट फॉर एंड अगेंस्ट इच ऑफ दीज आर ऑफन दैटर ऑफ सिग्निफिकेंट पॉलिटिकल डिबेट और पर्सनल प्रेफरेंस यू कैन ऑल्सो राइड इट सर पर्सनल प्रेफरेंस और एक्ट ये लागू कौन करता है या एप्लीकेबल कौन करता है दैट इज गवर्नमेंट तो पॉलिटिकली ये चीज डिसाइड होती है कि कौन सा टैक्स हमारे पे एप्लीकेबल होगा तो ये टर्म्स हमें समझनी जरूरी है अभी सबसे पहली टर्म जो हमारी आती है ट इज प्रोग्रेसिव टैक्सेशन अब प्रोग्रेसिव टैक्सेशन का मतलब क्या होता है हायर द इनकम सिंपल से लॉजिक हायर इनकम हायर टैक्स हायर इनकम हायर टैक्स या हायर प्रोपोर्शन ऑफ टैक्स हायर इनकम सो हायर प्रोपोर्शन ऑफ टैक्स अब यहां पे जो लिखा हुआ है मैं इसे नहीं बताऊंगा वो तुम्हें हो सकता है थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो ये स्लैब्स वगैरह हम बाद में पढ़ेंगे इसका सिंपल सा एग्जाम्पल जो मैं तुम्हें बताता हूं देखो जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर तुम एक साल के वन लाख डॉलर अर्न कर रहे हो ठीक है अभी सिर्फ समझना ऐसा एक्चुअली कुछ भी नहीं है दिस इज जस्ट टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ प्रोग्रेसिव टैक्सेशन अगर तुम साल के वन लाख डॉलर अर्न कर रहे हो तो इन दैट केस तुम्हें टैक्स पे करना है थर्टी परसेंट ठीक है लेकिन अगर तुम साल के टू लाख डॉलर पे कर रहे हो या टू लाख ,00 से बेसिकली अगर तुम लेट से वन लाख डॉलर तक जो भी अमाउंट पे इनकम पे कर रहे हो तुम्हें थर्टी परसेंट टैक्स देना है अगर तुम वन लाख ,00 से टू लाख ,00 के बीच में इनकम अर्न ,00 कर रहे हो तो तुम्हें फोर्टी परसेंट टैक्स देना है और अगर तुम टू लाख से ऊपर इनकम अर्न कर रहे हो तो तुम्हें फिफ्टी परसेंट टैक्स देना है अभी तुम्हें बिल्कुल ये समझने की जरूरत नहीं है कि सर ये इसका मतलब ये है कि वन लाख तक इतना वन से टू के बीच में इतना टू से ऊपर बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं कई बच्चे सोच रहे होंगे कि सर स्लैब रेट्स होते हैं उनको टैक्सेशन की थोड़ी बहुत नॉलेज होगी हमें वो नहीं सोचना हमें इसका मतलब समझना है इसका मतलब क्या है जितनी हमारी इनकम बढ़ती रहेगी उतना हमारा प्रोपोर्शन ऑफ टैक्स बढ़ता रहेगा दैट मीन्स रिच पर्सन विल पे हायर टैक्स एंड पुअर पर्सन विल हैव टू पे लेसर टैक्स ये होता है

तुम कोई भी इनकम अर्न करो तुम्हें थर्टी परसेंट टैक्स पे करना है दैट इज प्रोपोर्शनल टैक्सेशन कि एज इनकम राइस इज द प्रोपोर्शन ऑफ टैक्स रिमेन कॉन्स्टेंट सो फॉर एग्जाम्पल टेन परसेंट ऑफ ऑल दी अर्निंग्स रिगार्डलेस ऑफ द लेवल तो सिंपल प्रोग्रेसिव टैक्सेशन मीन्स जितनी इनकम बढ़ती रहेगी उतना टैक्स बढ़ता रहेगा और नॉर्मली हमारा यही सिस्टम टैक्सेशन का फॉलो होता है यूके में भी ऑल ओवर मतलब इंडिया में भी हमारा

तो वन लाख रुपीज़ पे थर्टी परसेंट टैक्स पे करना है दैट मीन्स ईवील पे थर्टी थाउजेंड अब तुम बोलोगे कि सर अगर वो टू लाख रुपीज़ अर्न कर रहा है तो टू लाख रुपीज़ पे थर्टी परसेंट अगर वो पे करेगा तो वो सिक्सटी थाउजेंड आएगी दैट मीन्स उसका तो ये भी तो प्रोग्रेसिव टैक्स हुआ क्या कि उसकी इनकम बढ़ रही है तो टैक्स भी बढ़ रहा है बहुत सारे बच्चे यहां कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर इनकम बढ़ रही है तो टैक्स भी बढ़ रहा है ये प्रोग्रेसिव टैक्स है दिस इज़ नॉट प्रोग्रेसिव टैक्स प्रोग्रेसिव टैक्स मीन्स कि परसेंटेज ऑफ टैक्स इज इंक्रीजिंग कि अगर वो टू लैख अर्न कर रहा है तो उसको सिक्स लेट से फोर्टी परसेंट टैक्स पे करना है सो एट्टी थाउजेंड टैक्स लगेगा अमाउंट का इतना फ़र्क नहीं पड़ता फ़र्क पड़ता है परसेंटेज का सो दैट इज प्रोग्रेसिव टैक्सेशन कि अगर हमारा इनकम बढ़ने पे परसेंटेज ऑफ़ टैक्स इंक्रीज हो रहा है दैट प्रोग्रेसिव ठीक है ठीके? ये था हमारा प्रोग्रेसिव टैक्सेशन और प्रोपोर्शनल टैक्सेशन तो तुम तो इन दोनों को ऐसे याद कर सकते हो पीपी -पी, प्रोग्रेस मतलब बढ़ावा इंक्रीज जितना ज्यादा ऊपर जाओगे उतना ज्यादा टैक्स पे करोगे प्रोपोर्शन मतलब सिंपल सेम प्रोपोर्शन जितनी मर्जी इनकम अन करो सेम टैक्स पे करने नेक्स्ट आता है रिग्रेसिव टैक्सेशन अब तुम कहोगे सर अगर प्रोग्रेसिव टैक्सेशन का मतलब है कि हमारी इनकम ज्यादा है लेट से इनकम ज्यादा है तो टैक्स ज्यादा होगा तो रिग्रेसिव टैक्सेशन का मतलब है कि इनकम ज्यादा होगा तो टैक्स परसेंटेज कम हो जाएगी कि इनकम ज्यादा है तो टैक्स परसेंटेज कम हो जाएगी है ना यू आर राइट इन दिस तो रिग्रेसिव टैक्सेशन का मतलब क्या होता है कभी भी कोई भी पॉलिसी ऐसी वर्ल्ड में नहीं बन सकती कि अगर तुम वन लाख डॉलर अर्न करो तो तुम्हें थर्टी परसेंट टैक्स देना है और अगर तुम टू लाख डॉलर अर्न करो तो तुम्हें ट्वेंटी परसेंट टैक्स पे करना है ऐसा कहीं नहीं हो सकता कहीं पॉसिबल ही नहीं गवर्नमेंट ऐसा क्यों करेगी ये तो बेवकूफ़ी है गवर्नमेंट की जो ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं उससे या तो सेम प्रोपोर्शन लो या ज़्यादा लो कम का तो सवाल ही नहीं है ना तो रिग्रेसिव टैक्सेशन की पॉलिसी आई कैसे ये मेरी बात बहुत ध्यान से सुना बहुत ध्यान से रिग्रेसिव टैक्सेशन मीन्स जैसे गवर्नमेंट ने बोल दिया कि अगर आप लाख से लेके लेट से वन लाख से लेके अगर आप फाइव लाख अर्न कर रहे हो ध्यान से सुनना अगर आप वन लाख से लेके फाइव लाख तक अर्न कर रहे हो तो आपको थर्टी थाउजेंड डॉलर टैक्स पे करना है फिक्स अमाउंट कोई परसेंटेज नहीं है गवर्नमेंट ने क्या बोला अगर तुम वन लाख डॉलर पे कर रहे हो तब भी थर्टी थाउजेंड टैक्स पे करना है अगर तुम फाइव लाख पे कर रहे हो तब भी थर्टी थाउजेंड डॉलर टैक्स पे करना है ऐसा होता नहीं है बहुत ही रेयर सिचुएशन है एग्जाम्पल्स तुम्हें इसके प्रैक्टिकली दूंगा कैसे होते हैं बट समझने के लिए रिग्रेसिव का मतलब कि हमारा परसेंटेज कुछ फिक्स नहीं है हमारा अमाउंट फिक्सड है कि इतना अमाउंट ऑफ टैक्स हमें पे करना है चाहे हम एक लाख कमाए चाहे पाँच लाख सो so, एक लाख वाले के लिए ये थर्टी थाउजेंड प्रपोर्शन थर्टी परसेंट आ गया और फाइव लाख ,00 वाले के लिए लेट से ये सिक्स परसेंट आ रहा है फाइव लाख ,00 वाले के लिए सिक्स परसेंट आ रहा है या थोड़ा बहुत नियर बाय वैसा आ रहा होगा है ना तो सिक्स परसेंट अब फाइव लाख जो पर्सन अर्न कर रहा है उसको भी थर्टी थाउजेंड डॉलर पे करने हैं दैट मीन्स उसको तो सिर्फ सिक्स परसेंट लगा टैक्स और जो वन लाख डॉलर अर्न कर रहा है उसको तो थर्टी थाउजेंड पे करना है दैट मीन्स को थर्टी परसेंट टैक्स लगा दिस इज कॉल्ड रिग्रेसिव टैक्सेशन अब ये हमारी नॉर्मली इनकम पे नहीं होती इनकम टैक्स पे नहीं होती ये अलग तरीके से चलती है जैसे इसका जो इन्होंने एग्जाम्पल दिया हुआ मैं तुम्हें वो समझाता हूं जैसे लेट से ये दो बंदे हैं ठीक है ठीके? दोनों जॉब करते हैं दोनों जॉब करते हैं दोनों की जॉब एक ही कंपनी में है दोनों का घर बिल्कुल पास पास है ये इनका घर है जैसे मान लो ये घर है और मैंने काफी छोटा बनाया है काफी बड़ा घर है ठीक है ये ही इज लाइक अ मैनेजर ही इज लाइक नॉर्मल इंप्लॉई मैनेजर के नीचे काम करने वाला तो ऑब्वियसली इसका घर थोड़ा बड़ा होगा डेकोरेटिव होगा सब कुछ होगा गाड़ी बड़ी होगी इसके पास एनऑर्मल ठीक है बट दोनों का घर साथ, साथ है और दोनों सेम ही कंपनी में जॉब करते हैं अब सुनना रिग्रेसिव टैक्सेशन का मतलब गाड़ी लेट से दोनों के पास सेम है लेट से दोनों के पास गाड़ी सेम है ये अर्न करता है ईयरली टू लाख डॉलर ये अर्न करता है ईयरली फाइव लाख डॉलर टू लाख ये अर्न करता है, है फाइव लाख अब दोनों को ऑफिस जाने के लिए गाड़ी चाहिए सो दोनों गाड़ी में तेल डलवाते हैं फ्यूल डलवाते हैं तो लेट से दोनों टू थाउजेंड डॉलर पर मंथ या लेट से टेन थाउजेंड डॉलर का फ्यूल डलवाते हैं दोनों पर्सन ऑफिस जाने के लिए ये इनका ऑफिस है यहां जाने के लिए टेन थाउजेंड डॉलर का पर एनम फ्यूल डलवाते ठीक है थीके? अब फ्यूल के ऊपर भी गवर्नमेंट टैक्स लगाती है है हाँ ना हर चीज पे टैक्स होता है हमने अभी भी पढ़ा था कि गवर्नमेंट ने आ, कई बार पॉलिसी को डिस्करेज करने के लिए गवर्नमेंट टैक्सेशन ज़्यादा लगाती है तो लेट्स से फ्यूल पे फोर्टी परसेंट टैक्स है ठीक है सो जस्ट मैं वैसी फिगर बता रहा हूँ तो इसका फोर्टी परसेंट दैट मीन्स फोर्टी थाउजेंड फोर थाउजेंड हालांकि फोर थाउजेंड नहीं आएगा बट जस्ट एन एग्जाम्पल कि फोर थाउजेंड टैक्स ये इंप्लॉयी पे कर रहा है फोर थाउजेंड टैक्स ये भी इंप्लॉयी पे कर रहा है दोनों बंदे फोर थाउजेंड टैक्स पे कर रहे हैं है हाँ ना लेकिन इस पर्सन की इनकम कम है इसकी ज़्यादा सो दैट मीन्स ये जो इनडायरेक्ट टैक्सेशन है जो ये फ्यूल पे टैक्स पे कर रहा है ये प्रोपोर्शन इसकी कम है और इस वाले की प्रोपोर्शन जो है टैक्स की वो ज़्यादा है दिस इज ऑल्सो कॉल्ड रिग्रेसिव टैक्सेशन जो इन्होंने एग्जाम्पल दिए क्या कि अगर दोनों पर्सन फ्यूल पे टैक्स पे करेंगे ज़्यादा जो इसकी इनकम है अब ये थोड़ी कि उसको फ्यूल पे ज़्यादा टैक्स पे कर रहे हैं उसका तो कोई लिंक ही नहीं है पैसे ज्यादा कमा रहे दैट मीन्स उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ता यार ले लो ठीक है चार हज़ार डॉलर टैक्स इसको शायद थोड़ा फर्क पड़े कि चार हजार डॉलर तो मेरे लिए ज्यादा अमाउंट है टैक्स इसको कम फर्क पड़े सो दैट इज रिग्रेसिव टैक्सेशन सो एज इनकम राइज प्रोपोर्शन ऑफ टैक्स पेड फॉल्स फॉर एग्जाम्पल टैक्स ऑन अ लीटर ऑफ पेट्रोल इज सेम रिगार्डलेस ऑफ लेवल ऑफ इनकम ऑफ द परचेजर दिस इज रिग्रेसिव टैक्स एज इट रिप्रेजेंट ग्रेटर प्रोपोर्शन ऑफ इनकम लो इनकम अर्नर देन हाई इनकम अर्नर जो लो इनकम अर्न कर रहा है उसके लिए टैक्सेशन का प्रपोर्शन ज्यादा है और जो हाई इनकम उसके लिए टैक्सेशन का प्रपोर्शन कम है ठीक है और इसी के साथ हमारा आता है एड वेलोरम प्रिंसिपल एड वेलोर प्रिंसिपल क्या होता है वैल्यू ऑफ द आइटम फॉर एग्जाम्पल ट्वेंटी परसेंट वैट ऑन मोस्ट ऑफ द गुड सोल्ड इन यू के हालांकि ये इसके साथ इसका लिंक ही है ये बट दैट इज टोटली डिफरेंट ऐसा नहीं है कि या तो ये वाला टैक्सेशन लगेगा या ये लगेगा या ये या ये ऐसा नहीं है इन तीनों में से कोई भी चीज लग सकती है टैक्सेशन में और दिस इज अ डिफरेंट थिंग कि जो भी तुम चीज यूके में मार्केट से परचेज करोगे उस पर तुम्हें ट्वेंटी परसेंट टैक्स पे करना है स्ट्रेट फॉरवर्ड दैट इज एड वेलोरम प्रिंसिपल अ टैक्स कैलकुलेटेड एज अ फिक्स परसेंटेज ऑन द वैल्यू ऑफ आइटम परचेज चार लोगे तो चार पे ट्वेंटी परसेंट देना पड़ेगा एक लोगे एक पे ट्वेंटी परसेंट तो ये होते हैं हमारी चार टर्म्स प्रोग्रेसिव टैक्सेशन प्रोपोर्शनल टैक्सेशन रिग्रेसिव टैक्सेशन एंड लास्ट इज एड एडोरम प्रिंसिपल्स इन चारों को बहुत अच्छे से पढ़ना इनके मतलब तो तुम्हें बिल्कुल अच्छे से याद होने चाहिए ठीक है चलो अब नेक्स्ट आता है हमारा दैट इज टाइप ऑफ टैक्सेस के टाइप ऑफ टैक्सेस हमारे क्या क्या होते हैं इस चैप्टर पे मुझे थोड़ा ज्यादा फोकस करना है बिकॉज तुम्हें कॉमन चीजें बेसिक चीजें थोड़ी समझ आएंगी तो आगे बहुत हेल्प मिलेगी मैं चाहता तो ये चैप्टर वैसे ही रीड करवा देता बट मुझे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ समझानी पड़ेगी विच इज़ रिक्वायर्ड टैक्सेशन इज समथिंग जिसका बेस तुम्हें भी पता होना चाहिए क्योंकि क्या पता कल को तुम ही गवर्नमेंट में जॉब कर रहे हो और हो सकता है तुम ही कल को टैक्स बनाओ हो सकता है ना और अगर तुम टैक्स बनाओगे तो तभी बना पाओगे ना जो तुम्हें टैक्सेशन का बेसिक्स पता है कि अगर अच्छा हमें इस चीज़ की वैल्यू कम करनी है कि लोग ये चीज़ ना करें तो ठीक है उस पर टैक्स बढ़ा दो ये जनरल चीज़ें हमें पता होनी चाहिए ठीक है चलो अब आता है हमारा टाइप ऑफ टैक्स सो ये छोटी छोटी टर्म्स हम एक बार पढ़ेंगे तो so, सबसे पहले आता है हमारा टर्म दैट इज इनकम टैक्स सो द यू के टैक्स सिस्टम एडमिनिस्ट्रेट बाय एच एम रेवेन्यू एंड कस्टम सो एच एम रेवेन्यू एंड कस्टम एडमिनिस्टर करते हैं सारी वर्किंग करते हैं ऑन द टैक्सेशन इन्होंने डिफरेंट टाइप ऑफ टैक्सेस बनाए हैं पहला है इनकम टैक्स इट इज पेबल बाय द इंडिविजुअल ऑन सम ऑफ देयर अर्निंग लाइक like, अगर सेल्फ एम्प्लॉयड है बिज़नेस कर रहा है या जॉब कर रहा है या उसने कोई भी इन्वेस्टमेंट करी है तो उस पर जो भी वो टैक्स पे करेगा उस टर्म को हम बोलेंगे इनकम टैक्स सो एनी इनकम अर्न बाय इंडिविजुअल फ्रॉम जॉब और फ्रॉम बिजनेस इंडिविजुअल जो बिजनेस से पैसे अर्न कर रहे हैं सेल्फ इम्प्लॉयड जैसे डॉक्टर्स प्रोफेशनल्स ए अगर वो खुद अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो दे विल हैव टू पे इनकम टैक्स देन आता है नेशनल इंश्योरेंस कॉन्ट्रीब्यूशन सो अपार्ट फ्रॉम इनकम टैक्स नेशनल इंश्योरेंस कॉन्ट्रीब्यूशन एन आई सी इज ऑल्सो पेबल बाई इंडिविजुअल हु आर इधर इम्प्लॉयड और सेल्फ एम्प्लॉयड ऑन देर अर्निंग ऑल्सो पेबल बाय बिजनेस सच एज सोल ट्रेडर अ कंपनी इन रिलेशन टू देयर इम्प्लॉयज इंडिविजुअल को भी ये टैक्स पे करना होता है नेशनल इंश्योरेंस कॉन्ट्रीब्यूशन और अगर कोई कंपनी है तो कंपनी को भी टैक्स पे करना पड़ता है ऑन बिहाफ ऑफ देयर इम्प्लॉयज़ उनके इम्प्लॉइज के लिए भी नेशनल इंश्योरेंस कॉन्ट्रीब्यूशन पे करना पड़ता है बेसिकली नेशनल इंश्योरेंस कॉन्ट्रीब्यूशन क्या होता है कि हमें पता है कि एम्प्लॉयज़ की जब एज हो जाती है वो जॉब छोड़ देते हैं रिटायर हो जाते हैं तो उसके बाद इंडिया में ऐसा नहीं है बट बाहर वाली जो कंट्रीज़ होती है वहाँ पर उनको ओल्ड एज पेंशन मिलती है रिटायरमेंट बेनिफिट्स मिलते हैं तो वो सारे गवर्नमेंट यहीं से देती है कि जब भी वो जॉब करते हैं उस टाइम पे कुछ नेशनल इंश्योरेंस कॉन्ट्रीब्यूशन उनके बिहाफ पे हम जमा करते हैं और एंड में यहां से उनको एक बेनिफिट मिल जाता है ठीक है सो नेशनल इंश्योरेंस कॉन्ट्रीब्यूशन कोई भी इंडिविजुअल हो चाहे वो बिजनेस कर रहा हो चाहे वो इंप्लॉयड हो अपने लिए भी उसको पे करना पड़ेगा ऑन हिज अर्निंग्स अपार्ट फ्रॉम दैट जो भी बिजनेस कर रहा है उसको अपने इंप्लॉयज के बिहाफ पे भी एनआईसी डिपॉजिट करना पड़ेगा थर्ड टाइप ऑफ टैक्स आता है कैपिटल गेन टैक्स सो कैपिटल गेन कैपिटल मतलब एसेट कैपिटल मतलब एसेट तो एसेट सेल करने पे जो भी हमें प्रॉफिट होता है एसेट सेल करने पे जो भी हमें प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट पे भी हमें टैक्स पे करना पड़ता है दैट इज कॉल्ड कैपिटल गेन्स टैक्स सो पेबल बाय इंडिविजुअल ऑन डिस्पोजल ऑफ सर्टेन टाइप ऑफ कैपिटल एसेट्स वो हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे जाके कौन कौन से बट अभी के लिए जो भी कैपिटल एसेट्स हमारे होते हैं उनकी सेल पे जो भी प्रॉफिट होता है उस पर हमें टैक्स पे करना पड़ता है कैपिटल एसेड इंक्लूड्स लैंड बिल्डिंग शेयर्स एंड कैन ऑल्सो इंक्लूड स्मॉलर आइटम्स सच एज एंटीक्यूज ठीक है स्कल्पचर्स पेंटिंग्स एंड ऑल तो दिस इज कॉल्ड कैपिटल गेन टैक्स अब यहाँ पे कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर आपने ये तो बोला कि अगर एसेट सेल होकर प्रॉफिट हुआ तो उस पर टैक्स लगेगा और अगर एसेट सेल करके लॉस हुआ तो क्या गवर्नमेंट टैक्स हमें देगी नहीं ऐसा कुछ नहीं होता कि अगर टैक्सेशन करके हमें लॉस हुआ तो गवर्नमेंट टैक्स देगी अगर लॉस हुआ तो हमें टैक्स नहीं पे करना लेकिन हम उस लॉस को कल को आगे जाके लेट से मेरे को अभी वन लाख डॉलर का लॉस होगा किसी एसेट को सेल करके अगले साल मैंने एक और एसेट सेल किया अपनी मशीन थी उसको मैंने सेल कर दिया या बिल्डिंग सेल कर दी उस पर मेरे को थ्री लाख का प्रॉफिट हो गया तो एग्जाम्पल के तौर पर गवर्नमेंट मुझे अलाउ कर देगी कि थ्री लाख में से पहले आपका जो लॉस हो चुका है इसको हटा दो कोई बात नहीं इसको खत्म करो आप जो टू लाख है उसके ऊपर ही टैक्स पे करो दैट मीन्स पुराना जो लॉस था उसका हमें एक बेनिफिट सेट ऑफ मिल जाएगा ये सब कुछ हम बात में पढ़ेंगे अभी तो मेन टर्म्स पता होने चाहिए मैं फिर भी तुम्हें बता रहा था ताकि ऐसा ना हो वहां तक पहुँचने में जब तक हम इस जगह पर पहुंचे तुम्हारा माइंड ही क्लियर ना हो कि सर इसका मतलब लॉसेज पर भी टैक्स होगा नहीं लॉसेस पे हमें कोई भी टैक्स नहीं ना देना पड़ता ना हमें मिलता लेकिन उस लॉस का आगे जाके बेनिफिट मिल जाता है देन आता है हमारा नेक्स्ट इनहेरिटेंस टैक्स अब इनहेरिटेंस टैक्स क्या होता है पेबल बाय एग्जीक्यूटर्स ऑन वैल्यू ऑफ एस्टेट ऑफ डिसीज पर्सन डिसीज पर्सन मतलब अगर किसी बंदे की डेथ हो गई तो उसका जो भी एग्जीक्यूटर है जिसको वो एसेट्स मिलेंगे अगर जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन है ठीक है ये उसके दादाजी है इसके दादाजी के पास जितनी भी प्रॉपर्टी थी इनकी डेथ हो गई और ये प्रॉपर्टियां सारी इस पर्सन को मिल गई अंडर हिज विल तो उस उसपे जो टैक्स ये पे करेगा दैट इज कॉल्ड इनहेरिटेंस टैक्स के पेबल बाय एग्जीक्यूटर ऑन द वैल्यू ऑफ द एस्टेट ऑफ अ पर्सन ऑल्सो पेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन गिफ्ट ड्यूरिंग इंडिविजुअल लाइफ टाइम कि मान लो मैं हूं ठीक है ये तुम हो मुझे कुछ पैसे चाहिए थे मैंने तुम्हें बोला कि मेरे को टू लाख डॉलर दे दो एज अ गिफ्ट तुमने मेरे को टू लाख डॉलर दे दिए तो इसमें क्या होगा मेरे को टू लाख डॉलर मिल गए तुम्हारे टू लाख डॉलर चले गए चलो तुम्हें मेरे को दे नहीं थे लेकिन मैंने दिखाया कि मुझे तो गिफ्ट मिला है ये कोई कमाई थोड़ी है मेरी मैंने कोई मेहनत थोड़ी करी है ये तो मेरे को गिफ्ट मिला है तो गिफ्ट में थोड़ी मैं टैक्स पे करूँगा और लॉजिकली कुछ हद तक ये पर्सन भी ठीक है कि भाई मुझे अगर कोई गिफ्ट मिला है तो गिफ्ट में मैं टैक्स पे करूं वो तो मैंने कमाई थोड़ी की है वो तो वैसे ही बंदे ने अपनी श्रद्धा से मुझे दे दी है गिफ्ट like लेकिन अगर ये चीज अलाउ हो गई कि गिफ्ट पे कोई टैक्स नहीं है तो हर कंपनी अपने इंप्लॉय को गिफ्ट ही देती रहेगी काम कर गिफ्ट ले ले जितना मर्जी गिफ्ट ले ले तो गवर्नमेंट तो कहेगी कि हम पागल बैठे हैं यहाँ पे कि हमें ना कोई टैक्स दे रहे ना कुछ तो इसीलिए रूल बन गया कि अगर तुम्हारे को गिफ्ट भी मिलते हैं तो गिफ्ट पे भी तुम्हें टैक्स लगेगा तो बेसिक रूल क्या बनेगा कहीं से भी किसी बंदे को पैसे आए जो उसको वापस नहीं कर रहे याद रखना कहीं से भी किसी भी बंदे को पैसे आए जो उसको रिटर्न नहीं करने उस पर उसको टैक्स पे करना पड़ेगा जस्ट रिमेंबर मतलब अगर मैंने लोन लिया है किसी से तो लोन पे टैक्स नहीं है क्योंकि लोन तो रीपे करना है वो तो इनकम ही नहीं है तो ए फ्रॉम एनी सोर्स वेर हैव रिसीव द इनकम एंड दैट इज़ लाइक आई डोंट हैव टू रीपे इट आई हैव टू पे टैक्स ऑन दैट सो इन इनहेरिटेंस टैक्स मतलब अगर किसी की डेथ हो गई उसके एग्जीक्यूटर को एसेट्स मिले तो उसको टैक्स पे करना पड़ेगा और अगर किसी को कुछ गिफ्ट मिले उस पर भी उसको टैक्स पे करना पड़ेगा अब नेक्स्ट आता है कॉर्पोरेशन टैक्स कॉर्पोरेशन टैक्स इज टैक्स पेबल बाय कंपनीज ऑन देअर इनकम्स एंड गेंस अभी तक हम पढ़ रहे थे इंडिविजुअल का कि इनकम टैक्स इंडिविजुअल पे करता है एनआईसी इंडिविजुअल पे करता है कैपिटल गेंस टैक्स इंडिविजुअल होता है इनहेरिटेंस इनहेरिटेंस टैक्स मोस्टली इंडिविजुअल क्या होता है लेकिन कंपनीज को जो भी टैक्स पे करना पड़ता है अपने प्रॉफिट पे दैट इज कॉल्ड कारपोरेशन टैक्स एंड दैट इज नॉट इनकम टैक्स लास्ट टैक्स आता है हमारा वैल्यू एडिट टैक्स वैट वैट इज बेसिकली पेबल ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय द कंज्यूमर कि अगर हम कोई भी चीज़ बेचते हैं तो उस पर कंज्यूमर को टैक्स पे करना पड़ता है फॉर एग्जाम्पल जैसे ये दो बंदे हैं आई एम अ रिटेलर एंड ये है कंज्यूमर ठीक है मैंने इसको एक चीज बेची लेट से टू थाउजेंड डॉलर की तो टू थाउजेंड डॉलर की मैंने इसको चीज बेची मेरे को टू थाउजेंड डॉलर गए ठीक है इस टू थाउजेंड डॉलर पे मैं कस्टमर से एडिशनल ट्वेंटी परसेंट लेट से मैं चार्ज करूंगा दैट इज फोर हंड्रेड डॉलर दैट इज कॉल्ड वैट ये जो वैट है मैं इससे कलेक्ट करूंगा तो मेरे को टोटल आएंगे ट्वेंटी फोर हंड्रेड टू थाउजेंड का जो मैंने सामान बेचा था फोर हंड्रेड डॉलर जो मैंने वैट के उससे लिए और ये वैट मैं गवर्नमेंट को जमा करा दूंगा दिस इज़ नॉट माई इनकम दिस दिस रिटेलर विल बी पेइंग टू दी गवर्नमेंट दैट इज़ कॉल्ड वैट सो वॉट एवर वी परचेज और उस पर जो भी हम टैक्स पे करते हैं दैट इज़ कॉल्ड वैट तो ये जो टैक्सेस होते हैं हमारे इनकम टैक्स एन आई सी कैपिटल गेन्स इनहेरिटेंस टैक्स कारपोरेशन टैक्स ये लगते हैं हमारे इनकम पे दिस इज टैक्सेशन ऑन द इनकम दिस इज टैक्सेशन ऑन द एक्सपेंडिचर के जो हम एक्सपेंडिचर करते हैं अगर मैं मार्केट से कोई सामान लू उस पर मुझे टैक्स एडिशनल पे करना पड़ेगा दैट इज कॉल्ड वैट ठीक है सो इसीलिए देर आर टू टाइप ऑफ टैक्सेस ये तो हमारे थे टाइप ऑफ टैक्स अब आता है टोटल बायोफोकेशन ऑफ टैक्स कि वन इज कॉल्ड डायरेक्ट टैक्स एंड सेकेंड इज कॉल्ड इन डायरेक्ट टैक्स अभी ये मतलब जो हमने ऊपर पढ़े मैं उसमें से बता देता हूं कि ये जो सारे थे इनकम टैक्स एनआईसी कैपिटल गेन इनहेरिटेंस कॉरपोरेशन इनको बोलते हैं हम डायरेक्ट टैक्स कि जो भी हमने इनकम अर्न किया है उस पर डायरेक्टली हमें टैक्स पे करना पड़ेगा और वैल्यू एट टैक्स इज कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्स कि मुझे अपनी इनकम पे टैक्स नहीं पे करना डायरेक्टली नहीं मेरे को पे करना ये मैं इनडायरेक्टली टैक्स पे कर रहा हूँ जो इनडायरेक्टली गवर्नमेंट को जा रहा है क्योंकि ये टैक्स मैं गवर्नमेंट को पे नहीं करता ये टैक्स अगर मैं कंज्यूमर हूं तो मैं ये टैक्स गवर्नमेंट को पे नहीं करता मैं तो रिटेलर को देता हूँ पैसे रिटेलर जाके वो टैक्स गवर्नमेंट में जमा कराता है सो दैट्स वाई इट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्स इन केसेस में जो भी पैसे मैंने कमाए मुझे डायरेक्टली गवर्नमेंट को टैक्स पे करना पड़ता है तो डायरेक्ट टैक्सेशन टैक्स पेयर पेज डायरेक्ट टैक्सेस डायरेक्टली टू एचएमआरसी डायरेक्ट रेवेन्यूज टैक्सेस आर बेस्ड ऑन इनकम और प्रॉफिट्स एंड मोर दैट इट इज अर्नड और रिसीव मोर टैक्स पेड डायरेक्ट कैपिटल आर बेस्ड ऑन वैल्यू ऑफ एसेट जो मैंने बताया था सारा सेम वही है इनडायरेक्ट टैक्स इज कलेक्टेड फ्रॉम द टैक्स पेयर वाया एंड इंटरमीडियरी सच एज रिटेल बिल्कुल मेरे को कॉपी कर लिया भाई गलती गलत चीज है ये ठीक <laughs> है तो टैक्स जो है हम जो भी पे करते हैं वो डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे नहीं करते अब जिससे सामान परचेज़ करते हैं उसको वैट पे करते हैं टैक्स पे करते हैं जैसे तुम मार्केट में जाओ जो भी सामान तुम मार्केट से परचेज़ करोगे याद करना उसमें लिखा होता है एमआरपी मैक्सिमम रिटेल प्राइस इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस तो दैट मीन्स तुम टैक्स भी साथ में पे कर रहे हो वो पर्सन जिसको तुम सामान जिससे सामान परचेज़ कर रहे हो वो टैक्स गवर्नमेंट को जमा कराएगा तुम्हारे बिहाफ पे

नेक्स्ट वीडियो में आई विल पिक अप मोर स्पीड क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं है एंड डेफिनेटली नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर को मैं पूरा पूरा कंप्लीट करा दूंगा प्लस इस बुक के जितने भी टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग है वो भी मैं सारी करा दूँगा ठीक है चलो बाय गाइस टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट टाइम